हेलो गाइस एंड गर्ल्स, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, मच अवेटेड एंड मच एंटिसिपेटेड मूवी कैप्टन मार्वल आखिरकार सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो गई है और माना जा रहा है कि कैप्टन मार्वल ही वो कैरेक्टर है जो थैनोस को हराने में एवेंजर्स का एवेंजर्स एंड गेम मूवी में साथ देंगी। खैर, इस चीज का तो हमें बहुत ही ज्यादा इंतजार रहेगा और अगर आपने अभी तक कैप्टन मार्वल मूवी नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखिए। बिसाइड मूवीज, मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो अगर आप कैप्टन मार्वल के फैन हैं या फिर मूवी देखकर फैन बन चुके हैं तो आपको ये 10 फैक्ट जरूर जान लेने चाहिए कैप्टन मार्वल के बारे में, जो कि आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, कैप्टन मार्वल बुक। सो गाइस, 2015 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के दौरान ये अनाउंस किया गया था कि कैप्टन मार्वल पर एक नई यंग एडल्ट नॉवेल आने वाली है जिसे लिखेंगे शैनन हेल और डीन हेल। पर अजीब बात यह है कि उस कॉमिक कॉन के बाद किसी को भी इस बुक के बारे में कोई भी अपडेट मालूम नहीं है और किसी को ये भी नहीं मालूम है कि ये बुक आखिर कब तक रिलीज होगी। माना जा रहा है ये नॉवल बेसिकली डीसी के डीसी आइकन नॉवल सीरीज के तर्ज पर ही होगा। इस नॉवल का इंतजार दुनिया भर के रीडर्स और फैंस बहुत ही ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। खैर, मूवी तो रिलीज हो गई है, होपफुली नॉवल भी अब जल्दी ही रिलीज हो जाए। नंबर 9, कैप्टन मार्वल सीरीज। सो गाइस, वैसे तो कैप्टन मार्वल मूवी से पहले कई सारे एनिमेटेड शोज और वीडियो गेम्स में भी फीचर कर चुकी हैं, बट बेसिकली कैप्टन मार्वल को कभी अपना स्टैंड अलोन मेन स्ट्रीम लाइव एक्शन टीवी सीरीज या फिर कोई भी एनिमेटेड सीरीज नहीं मिली है। इसीलिए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बेन बेट्स ने मार्वल एनिमेशन के सामने कैप्टन मार्वल के एनिमेटेड शो का आइडिया रखा और बेसिकली अपने बनाए और लिखे हुए 5 मिनट के सैंपल को भी एनिमेशन टीम को दिखाया। बेन बेट्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने वॉइस एक्टर्स को भी हायर कर लिया था, बट बेसिकली मार्वल एनिमेशन इस चीज के लिए नहीं माना और हमें कैप्टन मार्वल का एनिमेटेड शो देखने को नहीं मिला। इसके अलावा 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हमें कैप्टन मार्वल का एक कैमियो दिखने वाला था पर उसे भी कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा मार्वल की नेटफ्लिक्स सीरीज जेसिका जोन्स में भी कैप्टन मार्वल का एक बहुत बड़ा रोल दिखाया जाने वाला था पर बाद में इसे भी कैंसिल कर दिया गया। तो इतने सारे रिजेक्शंस के बाद क्या हमें फ्यूचर में कोई उम्मीद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर कैप्टन मार्वल मूवी और एंड गेम में कैप्टन मार्वल का रोल अगर लोगों को पसंद आता है तो मार्वल होपफुली इस बारे में जरूर सोचेगा। नंबर 8, मल्टीपल प्रोफेशंस। सो गाइस, मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल यानी कैरल डैनवर्स का रेज्यूमे काफी बेहतरीन है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन है कि रियल वर्ल्ड में कोई भी कंपनी कैरल डैनवर्स को किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेती। जोक्स असाइड, बट मार्वल कॉमिक्स में कैरल डैनवर्स का प्रोफेशनल लाइफ काफी अमेजिंग रहा है। कैरल बेसिकली एयरफोर्स पायलट के रूप में मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले लिखी थी। इसके साथ साथ वो CIA और NASA में भी काम कर चुकी है। जब कैरल डैनवर्स को अपनी पावर मार्वेल से मिलती है तब वो बेसिकली NASA की सिक्योरिटी चीफ होती है। NASA बेसिकली कैरल के सामने ये शर्त रखता है कि अगर उसे अपने पावर्स को इस्तेमाल करना है तो उसे अपने सिक्योरिटी चीफ की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और बेसिकली कैरल डैनवर्स को यही बात एक्सेप्ट नहीं होती है और वो NASA को एक्सपोज करने वाला बहुत ही बेहतरीन और ट्रेंडिंग आर्टिकल लिख देती है, जिसके कारण कैरल से इम्प्रेस होकर डेली ब्यूगल के जे जॉन जेम्सन कैरल को अपनी वुमेन्स मैगजीन के एडिटर के रूप में हायर कर लेते हैं। बट आगे जाके कैरल अपने कैप्टन मार्वल वाले जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस पोस्ट को भी छोड़ देती है। नंबर 7, कैप्टन मार्वल कास्टिंग। सो गाइस, वैसे तो फाइनली कैप्टन मार्वल बन चुकी हैं ऑस्कर विनर ब्री लार्सन, बट ब्री लार्सन से पहले भी कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी थीं जिन्हें माना जा रहा था कि वो कैप्टन मार्वल के लिए या तो परफेक्ट होंगी या वही कैप्टन मार्वल चुनी जाएंगी। इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेसेस भी थीं जैसे कि एमिली ब्लंट, ब्राइस डेलस हावर्ड, शैलिन वुडली, चार्लीज थेरॉन और रोंडा राउजी, और इनके अलावा कई और एक्ट्रेसेस भी थीं। पर ये कुछ एक्ट्रेसेस थीं जिन्हें लोग कैप्टन मार्वल के रोल के लिए काफी बेहतरीन मानते थे। एमिली ब्लंट ने मार्वल में काम करने को सवाल को लेकर ये कहा कि वो वही करती हैं जो उन्हें या फिर ऑडियंस को पसंद आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई मार्वल मूवी है या फिर कोई टाइनी मूवी है, वो हमेशा इसके लिए तैयार है। इससे पहले भी एमिली ब्लंट को ब्लैक विडो AKA नताशा रोमानोव के लिए भी अप्रोच किया गया था पर उन्होंने उस समय उसे मना कर दिया था। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन एक्ट्रेसेस में से सबसे बेहतरीन कैप्टन मार्वल कौन बन सकती थी। नंबर 6, कैप्टन मार्वल लिकर प्रॉब्लम।
जी हाँ गाइज, मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब कैप्टन मार्वल पियक्कड़ बन जाती है। बेसिकली कैरल की लाइफ में हो रही ट्रेजेडीज को लेकर कैरल काफी दुखी होती है और हर पियक्कड़ की तरह अपने गम को भुलाने के लिए देवदास बन जाती है। इसी नए रेकलेस और केयरलेस बिहेवियर के लिए कैरल को एवेंजर्स में से बाहर कर दिया जाता है, बट बेसिकली टोनी स्टार्क उसका साथ देता है शराब की लत से बाहर आने के लिए, जो कि खुद भी एक बार कॉमिक्स में शराब की लत की वजह से बर्बाद होते होते बचा। अपने उसी एक्सपीरियंस से टोनी कैरल को समझाता है और उसे फिर से सही रास्ते पर चलना सिखाता है। नंबर 5, रोग वर्सेस कैरल डैनवर्स। तो गाइस, कॉमिक्स में एक बार ऐसा भी होता है जब कैरल डैनवर्स मिस मार्वल होती है और उसका सामना होता है रोग से। रोग बेसिकली एक एक्समैन म्यूटेंट है जिसकी एबिलिटी यही होती है कि वो किसी को भी छूती है तो उसके पावर उसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे में वो कैरल को भी छूती है और उसके सारे के सारे पावर उसके अंदर समा जाते हैं। वो तो अच्छा होता है कि बीच में स्पाइडर वुमन आती है और कैरल को बचाती है, वरना कैरल की उसमें जान भी जा सकती थी। रोग उसके सारे के सारे पावर के साथ साथ उसकी मेमोरी और पर्सनैलिटी को भी अपने अंदर खींच लेती है, जिसके कारण उसकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। वहीं पे कैरल को प्रोफेसर एक्स के पास ले जाया जाता है, जिससे कि प्रोफेसर एक्स कैरल को उसकी मेमोरीज लौटाने में मदद करते हैं, बट बेसिकली उसकी पावर्स को लौटा नहीं पाते और कैरल को काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है फिर से उसकी पावर्स को हासिल करने में। नंबर 3, टीम एफिलिएशंस। सो गाइस, कैरल डैनवर्स का जितना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज्यादा मजेदार है उसकी हीरोइक लाइफ। कैप्टन मार्वल मार्वल कॉमिक्स में कई सारे हीरोइक टीम्स का हिस्सा रह चुकी है, जिनमें शामिल है शील्ड, एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, ए फोर्स, स्टार जैमर्स, डिफेंडर, एक्सकैलिबर, एक्समैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। मुझे मालूम है ये बहुत ज्यादा हो गया। मार्वल में शायद ही कोई सुपर हीरो होगा जिसकी इतनी सारी टीम एफिलिएशंस होंगी, पर अगर सच कहा जाए तो ये सब कुछ सेंस बनाता है। भाई, सुपर हीरो भी तो कैप्टन मार्वल है। नंबर 2, इट टुक टू मेनी इयर्स टू बी कैप्टन मार्वल। जी हाँ गाइस, कैरल डैनवर्स को कैप्टन मार्वल का मेंटल संभालने के लिए तकरीबन 40 साल तक का वक्त लग गया। बेसिकली कैरल डैनवर्स को मार्वल कॉमिक्स में 1968 में लॉन्च किया गया था और वो पहली बार दिखी थी मार्वल सुपर हीरोज इशू नंबर 13 में, जिसमें वो यूएस एयरफोर्स की एक आर्म फाइटर पायलट होती है। उसमें उसकी कोई खास ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई है, बट 1977 में गैरी कॉनवॉय कैरल डैनवर्स को मिस मार्वल बनाते हैं और बेसिकली वो चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कैरेक्टर जो फीमेल एम्पावरमेंट का सिंबल बने। बट कई साल बीतने के बाद 2012 में राइटर केली सू डिकोनिक ने कैरल डैनवर्स को एज कैप्टन मार्वल मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया और बेसिकली ये मार्वल कॉमिक्स के लिए फाइनेंशियली और क्रिटिकली काफी बेहतरीन फैसला साबित हुआ। इसी क्विक सक्सेस के कारण इसके जस्ट 8 महीने बाद ही कैप्टन मार्वल मूवी की स्क्रिप्टिंग चालू हो गई और 2014 में केविन फाइगी ने कैप्टन मार्वल की मूवी को अनाउंस कर दिया। नंबर 1, द बाइनरी मोड। सो गाइस, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैप्टन मार्वल मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक है, पर इसके बावजूद भी कैप्टन मार्वल की एक और आइडेंटिटी है जिसमें कैप्टन मार्वल की पावर कई गुना ज्यादा हो जाती है और वो है द बाइनरी फॉर्म। रोग के कैप्टन मार्वल से पावर लेने के बाद ब्रूड नाम की पैरासाइटिक एलियन प्रजाति कैरल डैनवर्स को अगवा कर लेती है और उस पर कई तरह के टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट करती है। बेसिकली ब्रूड्स काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं कैरल के हाफ क्री और हाफ ह्यूमन डीएनए मिसमैच से और अनजाने में व्हाइट होल की मदद से कैरल के बाइनरी फॉर्म को अनलॉक कर देते हैं। इस फॉर्म में कैरल स्पेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद हर तरह की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है, साथ ही साथ वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इसके अलावा ग्रेविटी को एक लिमिट तक मैनिपुलेट कर सकती है और इसके अलावा वो सब कुछ कर सकती है जो वो कैप्टन मार्वल मोड में करती है। अब यही वो चीज है जो कैप्टन मार्वल को मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बनाती है। सो गाइस, ये थे 10 पॉइंट कैरल डैनवर्स एक कैप्टन मार्वल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल, सुझाव या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी और हमारी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।